तो दोस्तों देख रहे हैं आप, स्ट्रेस करने से पहले मशीन को साफ किया जाता है। उसके बाद ये जो देख रहे हैं बॉक्स, इसको टिफिन बोला जाता है। और ये जो येलो कलर का वायर है, इसको फाइबर बोला जाता है। कोर कौन सील का सर, कौन का सील। अब इसके अंदर एक छो, इसको पहले इस फाइबर का ऊपर का परत को छीलते हैं, साफ करते हैं उसके बाद। और ग्लास जो है फाइबर ग्लास, उसको निकाल के इस कटर, फाइबर कटर में डाल के काटते हैं। उसके बाद इसको स्प्लाइस मशीन के एक साइड में डाल के क्लिप के मदद से इसको लॉक किया जाता है कि ताकि कोर ही डोल न करे। इसको क्लोज करते हैं और फिर उस येलो कलर का दूसरे कोर को, इसको भी वायर को छील के, छीलने के बाद इसको साफ किया जाता है ऊपर से कवर हटाने के बाद। और इसको फिर से कटर में डाल के काटा जाता है, कट किया जाता है। ये कट हो गया। उसके बाद इसको स्प्लाइस मशीन के दूसरी साइड से डाला जाता है और इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप रहता है, दोनों को एक एकदम सटा के भी नहीं डाला जाता, थोड़ा सा गैप रखता है। उसके बाद इसको फिर से बंद करके इसको स्टार्ट बटन दबाया जाता है। उसके बाद स्टार्ट बटन दबाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कोर जो है, फाइबर कोर वो जॉइंट हो रहा है। ये आपका दिखा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता है वाइट कलर का। उसके बाद कनेक्ट हो जाने के बाद इसको मशीन को बंद कर दिया। फिर ये जो इधर का पार्ट है, वो हीटिंग पार्ट है जो इसको सील को जो डाल कोर के ऊपर डाला जाता है, उसको हीट करके वहाँ पे ज्वाइन लॉक किया जाता है कि कोर इधर से उधर नहीं। देखिए इसको डाल दिए, हीटिंग को ऑन किया। यहाँ देख सकते हैं हीटिंग हो रहा है और हीटिंग हो चुका है। मशीन को बंद करके अब उस कोर को निकाल के इस वाइट कलर के टिफिन में डाल के बंद किया जाता है, यहाँ पे बंद करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें। धन्यवाद।